बंधु ने ले ली। सिद्धि कैदर रसूल जब घर ऐसा के पास गए तो सिद्धि कैदर के यार रसूल आप फिर जाइए बाहर भाई आप अंदर नहीं जाएंगे पहले मैं जाऊंगा। अंदर गए देखा रविश है गंदगी है गंध है उसे सब बाहर किया। जब सिद्धि कैदर ने उसे बाहर किया सिद्धि कैदर ने जो सारी गंदगी को बाहर किया सुराख थे होल्स कुछ होल्स को कपड़े हाव भाव करके होल में डाल दिए कोई कीड़ा ना ले पाए जब एक रह गया वहां पैर लगा दिया और अंदर ही घर में बैठे बैठे अबू बकर सिद्दीक ने कहा यार रसूल अल्लाह आ जाओ सुभान अल्लाह घर तुम्हारे लायक हो गया सुभान अल्लाह। हजरत समझानी क्या था मैं ये सोचता हूँ कि जब मेरा नबी एक मामूली से कार में सुभान अल्लाह तवज्जो जब मेरा नबी एक ऑर्डिनरी कार में बगैर सिद्दीक के नहीं जाता तो मोमिन के दिल में बगैर सिद्दीक के कैसे आएगा। एक मैसेज आप लोग चाहते हैं कि रसूल पाक दिल में आ जाए आप चाहते हो रियली एवरी वन इज इंटरेस्टेड तो फिर काम करो अबू बकर सिद्दीक को दिल में ले आओ। अबू बकर सिद्दीक को तुम दिल में ले आओ जो भी तुम्हारे दिल के अंदर कचरा है आराम के होल है बीमतों की गंदगी है जैसे वो निकाल जाएंगे अच्छा जल्दी खराब हो जाएगा तो तुम्हें नहीं बुलाना पड़ेगा अंदर ही बैठे बैठे अबू बकर सिद्दीक का यार अल्लाह चले आइए दिल साफ हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आपको मालूम है जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात अल्लाह अकबर हिजरत की रात है हिजरत की रात है तजल्लियों की बरसात है रहमतों की बारात है नबी की जात है अली का बात है मुसलमानों की घात है अल्लाह की बात है। 40 काफिर 40 एनिमीज ऑफ प्रॉफिट 40 दरवाजे पर खड़े दो लाइन लगाए क्यों बना के खड़े 40 काफिर 80 आंखें 40 काफिर 80 आंखें चौखट पे लगी हुई है दरवाजा खुले बाहर निकले मारो और सब लोग इकट्ठा मारो बीच में रहेंगे रास्ता रहेगा तो मार दो देखे बनो हाशिम करके कबीलों से बदला लेंगे। एक कॉन्स्पिरेसी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ में कंकरी लिया क्या लिया पीसेस ऑफ स्टोन दरवाजा खोला थे सुभान अल्लाह सबके सामने से नबी चले गए सुभान अल्लाह किसी ने देखी थी कंकरी किसने चुनी थी नबी मुट्ठी किसकी नबी हाथ किसका नबी देखा किसने नबी कुरान कहता ना अमा रमाइता इस रमाइता वलाकिन अल्लाह रमा ए नबी को कंकरी तुमने फेंकी थी तुमने नहीं फेंकी मा रमाइता तुमने नहीं फेंकी वलाकिन अल्लाह रमा बल्कि अल्लाह ने फेंकी रसूल के हाथ की वैल्यू पहचानो एक हाथ के बराबर तो तुम हो नहीं पूरी जात के बराबर कैसे हो जाओगे एक है नबी का हाथ खुदा कहे नहीं अल्लाह ने फेंका हाथ कितना इंपॉर्टेंट एक रहे रसूलुल्लाह कुरान कह रहा है नहीं फेंक रहा है अल्लाह इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड इस रमैता बमा रमैता वलाकिन अल्लाह रमा लेकिन अल्लाह ने फेंका है और नबी चले गए कबीलों में ले गई सुभान अल्लाह तवज्जो देखें कितने लोग कैच करते हैं तो नबी का आना जाना काफी नहीं देख पाते अरे बाबा देख नहीं पाए तो क्या नबी गए नहीं नबी तो गए कुरान गवाही दे रहा है गए मगर काफी लोग नहीं देखा हमें देखने वाली याद चाहिए
अगर कोई कहे मिलाद में आते हैं जाते हैं, गुलामों के घर आते हैं जाते हैं, खाबों में आते हैं जाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अली से कहा, अली तुम बिस्तर पे सो जाओ, अगर कोई ये तुम्हारे सामने में रख देता हूँ अमानत है, ये अमानते हैं और ये फला 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 दी है उनको दे करके तुम मदीने आ जाओ और बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना अमानत है बैठना आ जाना। मौला अली फरमाते हैं मैं उस मौत के बिस्तर पर, खतरे के बिस्तर पर जो काफिरों के टारगेट में था, उस बिस्तर पर चैन से सोए और ऐसी चैन की नींद मुझे लाइफ में कभी नहीं आई। मुझे मौला क्यों कहा, मैं तो हरदम समझता था मौत कभी भी आ सकती, मौत कभी भी आ सकती थी तो मैं चैन से सोऊं कैसे, मैं याद इलाही में मसरूर रहता था, लेकिन चैन से इसलिए सो गया आज की रात मुझे मौत नहीं आएगी क्योंकि मेरे नबी ने साफ कहा है सो जा, सुबह उठना हमारे बांटना, मैं समझ गया कि मेरी जिंदगी की गारंटी मेरा मौला ले रहा है, अली तू सोएगा भी सुबह उठेगा भी हमारा टाइम बांटेगा।